जय किसान साथियों, मैं अनकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द फार्मर्स में। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्य पोषक तत्वों की कमी से फलों एवं सब्जियों में जो रोग उत्पन्न कर देते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल पर जो नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। चलिए हम वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे सेब के फल को फटना। जो बोरान की कमी से सेब फट जाता है और उसका मार्केट वैल्यू गिर जाता है और पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, जिससे किसानों को बहुत ही हानि होती है। इसकी विशेष ध्यान रखने के लिए आप लोग अपने खेतों में बोरान का छिड़काव करिएगा, जिससे आपके फसलों में ऐसी बीमारी नहीं लगे। और दूसरी फसल है हैन एंड चिकन, जो अंगूर में लगता है। इससे क्या होता है कि एक ही गुच्छे में कोई फल बड़ा होता है और कोई फल छोटा होता है। यह अभी बोरान की कमी के कारण होता है, जिससे फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मार्केट वैल्यू भी इसमें भी गिर जाती है और फसल को बहुत नुकसान होता है और किसान हानि में चला जाता है। तो इस चीज़ की आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा कि आप बोरान का छिड़काव समय से कीजिएगा। और अगले रोग के बारे में बात करते हैं, हालो हर्ट ऑफ शुगर बीट, यानी चुकंदर में हालो हर्ट। यह बोरान की कमी के कारण होता है और इसमें क्या होता है कि फल के अंदर ही पूरा का पूरा भाग खोखला हो जाता है और बाहर से फल देखने में अच्छा लगता है लेकिन अंदर से पूरा खोखला हो जाता है, जिससे किसानों को बहुत ही नुकसान होता है और मार्केट वैल्यू भी गिर जाती है। इसके लिए हम बोरान का छिड़काव करें। और अगला रोग है विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर्स, फूल गोभी में विप्टेल। इसमें क्या होता है, पत्तियां का सिरा विकसित नहीं होता है और पत्तियां पूरी की पूरी सफ़ेद हो जाती हैं। यह मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है और जिससे केवल मध्य सिरा ही विकसित होती है और पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। इसके लिए भी और अगला रोग है आंवले में आंतरिक सड़न, यानी इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ एलोना। इससे क्या होता है कि पौधे के अंदर सड़न उत्पन्न हो जाती है और बार बार चित्ती चित्ती सा धब्बा दिखाई देने लगता है फलों पर। यह बोरान की कमी के कारण होता है। अगर बोरान का आप समय से छिड़काव करते हैं तो इस रोग से आप लोग बच सकते हैं किसान भाइयों, तो इसके लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। अगली बीमारी है फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमोग्रेनेट, यानी कि अनार का फल का फटना। यह भी बोरान की कमी के कारण होता है, जिससे फल फट जाता है, पूरा पकने से पहले ही फल फट के सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे पूरी की पूरी फसल आपकी बर्बाद हो सकती है। इसके लिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, आप समय से बोरान का छिड़काव करें। और अगली बीमारी है धान में खैरा रोग और मक्के का सफ़ेद कलिका रोग। यह जिंक की कमी के कारण होता है। और देखिए, धान में खैरा रोग, पत्तियां पीली पीली सी पड़ने लगती हैं। यह ज़्यादातर नर्सरी में, धान की नर्सरी में ज़्यादा दिखाई देता है और जिससे नर्सरी बर्बाद हो सकती है आपकी। इसके लिए आप लोग जिंक का छिड़काव करें। और मक्के में भी आपकी कलिका होती है, वो सफ़ेद सी दिखाई देने लगती है। इसके लिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, जिंक का छिड़काव करें। बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर्स, इसमें क्या होता है कि जो फूलगोभी का फल होता है वो बटन के आकार का हो जाता है और यह नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, जिससे पूरी की पूरी फसल बटन के आकार होने लगता है। इसके लिए आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, समय से आप नाइट्रोजन का छिड़काव करें।